नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल डेली रोजगार पर। दोस्तों तो आज का वीडियो रेलवे विभाग के अंतर्गत सरकारी नौकरी की तलाश में जुटे हुए प्रत्येक कैंडिडेट्स के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाली है, क्योंकि दोस्तों आज इस वीडियो के माध्यम से हम एक न्यू और बम्पर वैकेंसी की जानकारी लेकर आए हुए हैं, जिसका नाम है रेलवे विभाग नई भर्ती 2024। जी हाँ दोस्तों, आप सभी के लिए काफ़ी बड़ी गुड न्यूज़ है, क्योंकि दोस्तों फाइनली रेलवे विभाग के अंतर्गत बिल्कुल सीधी भर्ती का ऑफिशियल नोटिफिकेशन रिलीज कर दिया गया है, जिसके अंतर्गत कक्षा 8वीं, 10वीं और ग्रेजुएट पास प्रत्येक कैंडिडेट से अप्लाई कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, इस वैकेंसी के अंतर्गत आप सभी के लिए सैलरी भी काफ़ी अच्छी खासी मिलने वाली है, और दोस्तों ऑल इंडिया की वैकेंसी है। आप चाहे भारत के किसी भी राज्य या फिर जिले से रहते हो, प्रत्येक मेल एवं फीमेल बोथ उम्मीदवार इस वैकेंसी हेतु अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों तो यदि आप भी इस वैकेंसी हेतु इच्छुक हैं एवं अप्लाई करना चाहते हैं, तो आप सभी से छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप सभी हमारी वीडियो पर बिना स्किप करे अंतिम तक बने रहिएगा। तो आइए दोस्तों, चलिए जल्दी से बिना समय गवाए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों तो यदि सबसे पहले हम रेलवे विभाग के अंतर्गत निकाली गई न्यू एवं लेटेस्ट वैकेंसी के ऑर्गेनाइजेशन नेम यानी कि विभाग की बात करें, तो आप सभी के लिए बता दें दिल्ली डिवीजन नॉर्दर्न रेलवे की तरफ से इस बम्पर वैकेंसी का ऑफिशियल नोटिफिकेशन रिलीज किया गया है, जो कि दोस्तों आप सभी के लिए पूर्ण रूप से ही गवर्नमेंट जॉब देखने के लिए मिलने वाली है। जी हाँ दोस्तों, इस वैकेंसी के अंतर्गत आप सभी के लिए पेंटर के विभिन्न पद देखने के लिए मिल जाएंगे। दोस्तों ऑल इंडिया की वैकेंसी है, आप चाहे भारत के किसी भी राज्य या फिर जिले से रहते हो, प्रत्येक मेल एवं फीमेल यानी कि सभी लड़के और लड़कियां ही इस वैकेंसी हेतु अप्लाई कर सकते हैं, जिसके अंतर्गत आप सभी की एजुकेशन क्वालिफिकेशन मात्र 8वीं, 10वीं, 12वीं या फिर ग्रेजुएशन पास मांगी गई है। दोस्तों इस वैकेंसी की आवेदन प्रक्रिया पूर्ण रूप से ही ऑनलाइन माध्यम के जरिए निर्धारित की गई है, यानी कि आप सभी घर बैठे मोबाइल के माध्यम से भी इस वैकेंसी हेतु अप्लाई कर सकते हैं। अब दोस्तों वहीं यदि हम इस वैकेंसी के पदों की बात करें, तो आप सभी के लिए बता दें इस वैकेंसी के अंतर्गत आप सभी के लिए पेंटर के कुल मिलाकर 5720 पद देखने के लिए मिलने वाले हैं। इसके अलावा दोस्तों यदि एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करें, तो यदि आपने किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड से कक्षा 8वीं, 10वीं या फिर 12वीं पास किया हुआ है, तो आप सभी सफलतापूर्वक ही इस वैकेंसी हेतु अप्लाई कर सकते हैं, जिसके अंतर्गत आप सभी की आयु सीमा 18 से लेकर 36 वर्ष के बीच निर्धारित की गई है। इसके अलावा सरकारी नियमों के अनुसार आप सभी के लिए आयु सीमा में छूट भी प्रोवाइड कराई जाती है। अब दोस्तों यदि हम सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें, तो इस वैकेंसी के अंतर्गत आप सभी का सिलेक्शन 3 चरणों के आधार पर होने वाला है, जिसमें सबसे पहले आपका इंटरव्यू होगा, फिर आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा और अंतिम चरण में स्किल टेस्ट के आधार पर इस वैकेंसी के अंतर्गत आप सभी के लिए सिलेक्ट कर लिया जाएगा। जी हाँ दोस्तों, आप सभी के लिए बता दें बिल्कुल ही सीधी भर्ती है, इस वैकेंसी के अंतर्गत आप सभी की कोई भी लिखित परीक्षा होने वाली नहीं है। वहीं दोस्तों यदि अब हम इसके पश्चात एप्लीकेशन फीस यानी कि आवेदन शुल्क की बात करें, तो आप सभी के लिए बता दें इस वैकेंसी के अंतर्गत आवेदन करने वाले प्रत्येक उम्मीदवारों के लिए किसी भी प्रकार से आवेदन शुल्क का भुगतान नहीं करना होगा। आप चाहे किसी भी कास्ट से आते हो, आप सभी बिल्कुल फ्री में ही इस वैकेंसी हेतु अप्लाई कर सकते हैं। अब दोस्तों यदि हम इम्पोर्टेंट डेट की बात करें, तो इस वैकेंसी की आवेदन प्रक्रिया को ऑलरेडी ही प्रारंभ किया जा चुका है, और आप सभी 30 जून 2024 तक इस वैकेंसी हेतु सफलतापूर्वक ही अप्लाई कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, अप्लाई करने के लिए आप सभी को नीचे दी गई इस आधिकारिक वेबसाइट पर विजिट करना होगा। इस आधिकारिक वेबसाइट पर विजिट करने के पश्चात आप सभी से लॉगिन डिटेल्स मांगी जाएंगी। लॉगिन डिटेल्स को दर्ज करके एप्लीकेशन फॉर्म को ध्यानपूर्वक भरें और सभी इंपोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स की जानकारियों को भी दर्ज कर दें। तो दोस्तों इस प्रकार से इस वैकेंसी हेतु आपका आवेदन सफलतापूर्वक संपन्न हो जाएगा। आवेदन सबमिट करने के पश्चात कुछ ही दिनों के बाद आप सभी के लिए कॉल आएगा, जो कि आप सभी के लिए कॉल आने के पश्चात इंटरव्यू के लिए उपस्थित होना होगा। दोस्तों यदि आप सभी इंटरव्यू सही देंगे, तो आप सभी इस वैकेंसी के अंतर्गत सेलेक्ट हो सकते हैं। दोस्तों तो इसी के साथ हम इस वीडियो का समापन करते हैं। आप सभी के लिए इस महत्वाकांक्षी भर्ती की जानकारी कैसी लगी, आप सभी हमको कमेंट करके जरूर बताइएगा। इसके अलावा दोस्तों यदि आप सभी के लिए वीडियो पसंद आई हो, तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही साथ बेल नोटिफिकेशन को भी ऑल पर प्रेस कर दें, ताकि आपको ऐसे ही न्यू और लेटेस्ट वैकेंसियों की जानकारी सबसे पहले ही प्राप्त हो सके।